हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। ईद और राखी के बाद आज हम फिर अपने नई क्लास की ओर अग्रसर हैं और आज हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के आगे का चैप्टर, और जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में बैंकिंग व्यवस्था या बैंकिंग प्रणाली। जैसा कि आप जानते हो, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि बैंकिंग कितने प्रकार की होती है। शाखा बैंकिंग, इकाई बैंकिंग, समूह बैंकिंग, श्रृंखला बैंकिंग, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन भारत में किस तरह की बैंकिंग व्यवस्था है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। भारत में दो तरह की, इसको विभाजित कर सकते हैं हम बैंकिंग संस्थाओं को, शेष बैंकिंग संस्थाएँ और अन्य बैंकिंग संस्थाएँ। जब हम शेष बैंकिंग संस्थाओं की बात करते हैं तो शेष बैंकिंग संस्थाओं में हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक जिसे एक्जिम बैंक भी कहते हैं, भारतीय लघु विकास उद्योग, राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। ये सब बैंक जो हैं हमारी शेष बैंकिंग संस्थाओं के अंदर शामिल किए जाते हैं। जबकि हम अन्य बैंकिंग संस्थाओं की बात करें तो उसके अंदर हम निम्न प्रकार से इनको विभाजित करते हैं, जिसमें पहला है हमारा व्यापारिक बैंक, और व्यापारिक बैंक के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक। दूसरा हमारा इसमें जो प्रारूप है वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का। इसी के साथ में तीसरा है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक जो है हमारे राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक ऋण सहकारी साख समिति और शहरी सहकारी बैंक। सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के नाम से भी हमारी एक अलग संस्था है, और उस संस्था के अंदर जो आते हैं वो राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। औद्योगिक विकास बैंक के अंदर हम अगर बात करें तो उसमें हैं अखिल भारतीय स्तर के बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, राज्य स्तरीय बैंक जिसके अंतर राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम। ये जो हमारी हैं शीर्ष संस्थाएं और अन्य बैंकिंग संस्थाएं, भारत की जो वित्तीय प्रणाली है उसके अंदर बैंकिंग की इस तरह से व्यवस्था की गई है। अब हम इन संस्थाओं के बारे में एक एक थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं RBI बैंक को। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। 1934 में अधिनियम जो हमारा बना था उसके अंदर हम RBI बैंक की स्थापना करते हैं। RBI बैंक जो है हमारा 1 अप्रैल 1935 को एक विशेष अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत बनाया गया है। इसका 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक ही एक ऐसी संस्था है जो बैंकों का बैंक और इन बैंकों का अंतिम ऋणदाता और मार्गदर्शक है। यह देश के विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक है, देश की साख व्यवस्था को नियंत्रित करता है, मौद्रिक नीति का संचालन करता है, देश की सरकार के बैंकर एवं सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन करता है, समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है, देश के बहुमूल्य धात्विक कोषों को अपने संरक्षण में रखता है। अगला है हमारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में रिजर्व बैंक की सहयोगी संस्था के रूप में देश में दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त व्यवस्था की स्थापना के लिए की गई थी। 1976 में इस बैंक को एक अलग संस्था के रूप में रिजर्व बैंक से अलग कर दिया गया। अब यह बैंक भारत में औद्योगिक वित्त व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा बैंक है, और यह बैंक नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना, उनके विस्तार, उनके आधुनिकीकरण के लिए प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करता है। यह औद्योगिक ऋणों के साथ साथ पुनर्वित्त व्यवस्था, व्यापारिक बैंकों, राज्य वित्त निगमों को उनके दिए गए ऋणों को पुनर्वित्त की सुविधा भी प्रदान करता है और उपयुक्त बिलों की पुनर्कटौती करने का भी काम करता है। 1992 के बाद में इसने मर्चेंट बैंकिंग की तथा विदेशी मुद्रा सेवाएं भी प्रारंभ की है। अगला है हमारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा संबंध कार्यों के लिए पुनर्वित्त सुविधा के लिए 12 जुलाई 1982 को इस बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक राज्यों को भी ऋण प्रदान करता है और राज्य सहकारी बैंकों के अंश खरीदने के लिए 20 वर्ष तक की अवधि के ऋण दे सकता है। यह बिलों की पुनर्कटौती करता है तथा विदेशी भुगतानों की गारंटी देता है। इस बैंक की स्थापना से देश के पूंजीगत और भारी उद्योगों के निर्यातों को बढ़ाने में काफ़ी सहायता मिली है। अगला है हमारा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। देश के लघु उद्योगों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अप्रैल 1990 में इस बैंक की स्थापना की गई। इस बैंक ने निर्यातोन्मुख लघु उद्योग इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत उन्हें आसान शर्तों पर ऋण देने के साथ साथ 25,000 रुपये तक के अनुदान की व्यवस्था की गई। अब यह बैंक लघु उद्योगों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता गए हैं। बैंक को बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में संशोधन कर सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निरीक्षण का कार्य भी दिया गया है। एक्जिम बैंक यानी कि आयात निर्यात बैंक, देश के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के हिसाब से मार्च 1982 में इस संस्था की स्थापना की गई। यह बैंक देश के आयात निर्यात के लिए वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह बैंक देश के विदेशी व्यापार संवर्धन हेतु तकनीकी सलाह देने के साथ साथ शोध एवं सर्वेक्षण का कार्यों को भी प्रोत्साहन देता है। भारतीय निर्यात आयात बैंक एक विशेष प्रकार की संस्था है और इसका उद्देश्य देश की भुगतान संतुलन व्यवस्था को बनाए रखना है और उसमें सहयोग प्रदान करना है। इसके लिए वह विभिन्न प्रकार के निर्यातों और आयातों में अपनी वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। अगला है हमारा राष्ट्रीय आवास बैंक। भारत में आवास तथा बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए गृह निर्माण कार्यों को वित्त व्यवस्था प्रदान करने हेतु 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक न केवल गृह निर्माण के कार्यों के लिए अधिकाधिक वित्त की व्यवस्था करता है, वरन समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए आवास वित्त व्यवस्था उपलब्ध कराने में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। अगला है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। बीमार एवं बंद औद्योगिक इकाइयों को क्रमशः पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना के लिए वित्त प्रदान करने हेतु 1 अप्रैल 1971 को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना की गई, किंतु 1984 को एक विशेष अधिनियम पारित कर इस निगम को नवगठित भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में विलीन कर दिया या उसमें समामिलित कर दिया गया। अब यह बैंक देश की बीमार एवं बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना के लिए वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करता है, व्यवस्था करता है। अगली हमारी अन्य संस्थाओं में अध्ययन करेंगे हम। पहला है हमारा व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक में है सार्वजनिक बैंक। व्यापारिक बैंक होते क्या हैं उनके अंदर हम देख लेते हैं कि किन्हें कहेंगे हम व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक से अभिप्राय उन बैंकों से हैं जो संयुक्त स्कंद बैंक के रूप से सामान्य बैंकिंग की व्यवस्था करते हैं। व्यापारियों, उद्योगपतियों, व्यवसायियों अथवा कृषि कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण प्राय प्रदान करते हैं। सामान्य बैंकिंग कार्यों के अंतर्गत ये बैंक जनता से जमा पर धन प्राप्त करते हैं, ऋण देते हैं, ग्राहकों से चेकों का संग्रहण एवं भुगतान करते हैं, उनके धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने, साख पत्र जारी करने तथा ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ये बैंक दो तरह के बैंक होते हैं, जिनमें पहला है अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जाता है। इस अनुसूची में अगर बैंकों के नाम शामिल किए जाते हैं तो उन्हें कई प्रकार की शर्तें माननी पड़ती है, जिसमें बैंकों की प्रदत्त पूंजी और कोष 5,00,000 रुपये से कम नहीं होने चाहिए। बैंक का कार्य उसके जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध नहीं हो। यदि यह विदेशी बैंक है तो उस बैंक के देश में भारतीय बैंकों के विरुद्ध कोई अनुचित नियम या प्रतिबंध लागू नहीं हो। ऐसे बैंक अगर कोई हों
और उनका द्वितीय अनुसूची में हम शामिल करते हैं तो उन्हें प्राय निम्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। जैसे ऐसे बैंक रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं, ऐसा बैंक स्वतः समाश्वासन गृह का सदस्य बन जाता है और ऐसे बैंक को रिजर्व बैंक प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती सुविधा प्रदान करता है। चूँकि ये सुविधाएं इस तरह की हैं कि कोई भी बैंक अगर वो स्थापित होता है तो वो अपने आप को पहले द्वितीय अनुसूची में ही शामिल करवाता है ताकि उसे रिजर्व बैंक से समय समय पर इस प्रकार की सुविधाएं मिलती रहें। गैर अनुसूचित बैंक जिन बैंकों का नाम भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं होता है उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। अब ये व्यापारिक बैंक जो हैं ये तीन प्रकार के हैं हमारे यहाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी व्यापारी बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे बैंक हैं जो सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार कार्य करते हैं, जिनका हमने राष्ट्रीयकरण करके और देश को समर्पित कर दिया है। हम सब जानते हैं कि 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश के द्वारा पहले 14 निजी व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इन बैंकों की कुल जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, उन्हें हमने सरकारी स्वामित्व में लिया। दूसरे चरण में हमने 6 और निजी बैंकों को अपने राष्ट्रीयकरण करके स्वामित्व में लिया। अब इन बैंकों का समय समय पर समामेलन करके एक दूसरे बैंकों में मिला लिया जा रहा है, तो ऐसे समय में वर्तमान की जब हम बात कर रहे हैं तो कम से कम 12 बैंक ऐसे हैं जो सार्वजनिक बैंकों के रूप में काम कर रहे हैं। अभी भविष्य में इन बैंकों को और मर्ज किए जाने की संभावना है और सरकार ये चाहती है कि कम से कम 4 या 5 मुख्य प्रकार के बैंक हों जो सार्वजनिक रूप में काम करें और इन बैंकों के अंदर अनेक प्रकार की, जैसे हम बात कर चुके हैं, शाखा प्रणाली अपनाई जाए और देश के औद्योगिक विकास के लिए काम करें, देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काम करें। निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा स्थापित संयुक्त पूंजी बैंकर के रूप में काम करते हैं। विदेशी व्यापारिक बैंक, इसके अंतर्गत विदेशी बैंकों की शाखाओं का समावेश होता है जो भारत में काम कर रही हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त व्यवस्था तथा बचतों को एकत्रित कर पूंजी निर्माण की ओर अग्रसर करने के लिए ये बैंक काम करते हैं। भारत में इस प्रकार के बैंकों का मुख्य भूमिका जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विकास करने के लिए है, कृषकों की समस्याओं के समाधान करने के लिए है, क्षेत्रीय विकास करने के लिए है। सहकारी बैंक, भारत में विभिन्न प्रकार के राज्यों में सहकारी बैंकों का त्रिस्तरीय ढांचा है, जिनमें शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होता है, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होता है तथा स्थानीय स्तर पर प्राथमिक ऋण सहकारी समितियां होती हैं। आजकल शहरी सहकारी बैंक भी कार्यरत हैं। भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये बैंक 1956 के भारतीय बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत काम करते हैं। ये बैंक प्राय अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं। इन ऋणों का पुनर्वित्त व्यवस्था राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा की जाती है। सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारत में कृषि एवं दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति करने हेतु सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा भूमि को बंधक रखकर इस प्रकार की ऋण व्यवस्था की जाती है। इनकी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक होता है, जबकि स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक होते हैं। औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक विकास बैंक भारत की औद्योगिक वित्त व्यवस्था हेतु शीर्ष इकाई के रूप में स्थापित किए गए हैं। इसके अंतर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम स्थापित किए गए हैं। राज्य स्तर पर भी अलग अलग राज्यों में औद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई है। इस प्रकार भारत में बैंकिंग व्यवस्था का एक बड़ा ही आधार, व्यापक आधार है और ये आधार जो है हमारा बहुत ही मजबूत है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के कार्य करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। व्यक्तियों को ऋण की सुविधाएं देते हैं, उद्योगपतियों को ऋण की सुविधाएं देते हैं, यानी हर व्यक्ति के लिए ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु अलग अलग स्तर के बैंक की स्थापना भारतीय औद्योगिक व्यवस्था और भारतीय वित्त व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की गई है।